गुड मॉर्निंग, ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट बात करें तो देश देशांतर के अंदर बात की गई है या इस SER की एक रिपोर्ट है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट द बिग पिक्चर के अंदर बात की गई है एथेनॉल ब्लेंडिंग की, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, ये यहाँ पर आप देखो IISER, ये क्या टर्म है बोला? ये टर्म ये है, पुणे की है या रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च। इसने कुछ रिसर्च किया है और कहा है ये जो कोरोना फैली है, क्यों फैली है, किस तरह फैली है, इसी पे रिसर्च करके। हालांकि उतना तो बाइबल नहीं पॉइंट है, लेकिन दो चार पॉइंट्स हैं जो यूज़ आप कर सकते हो। जैसे क्यों फैली है, उसमें टॉप लिस्ट कौन कौन सा है, ज़्यादा कहाँ फैली है। तो देखो कॉमन सेंस अगर यूज़ किया जाए, नहीं भी कुछ पता हो तो ये बीमारी तो वहीं फैलेगी जहाँ क्राउड डेंसिटी ज़्यादा होगी। दिल्ली को टॉप पर रखा गया है, उसके बाद पुणे है, मतलब बॉम्बे आप समझ लो पुणे। अब देखो दिल्ली क्यों, नेक्स्ट अगर सोचोगे, देखो थिंकिंग ऑफ लेवल अगर बढ़ा लिया तो ऑटोमेटिकली आंसर निकलेगा। यहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी, वो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और पॉपुलेशन की डेंसिटी भी ज़्यादा है। तीसरा फैक्टर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, अब पॉपुलेशन होगा, डेंसिटी होगा तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ज़्यादा यूज होगा। चौथा सेक्टर माइग्रेशन, ये जो माइग्रेशन लोगों का है तो माइग्रेशन भी, और आपाधापी भी हो जाता है, अभी बीमारी जैसे फैला तो लोग इधर से उधर ट्रैवल करना। तो ये दो चार फैक्टर हैं जो आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो और कुछ खास पॉइंट नहीं निकलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। देखो एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कही गई है, यहाँ पर एक बात कही गई है कि 2025 तक जो है, सो 2025 तक 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है। अब सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? तो सिग्निफिकेंस में स्ट्रेंथिंग एनर्जी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी हमारे यहाँ स्ट्रेंथ होगा। उसके बाद लोकल इंटरप्राइजेज और फार्मर्स पार्टिसिपेशन को भी फ़ायदा होगा, डबल इनकम जो हम लोग बात करते हैं उसमें भी फ़ायदा होगा, और वेकुलर इमिशंस, तो जो पॉल्यूशन का इमिशन है वो तो कम होगा ही होगा। और बेनिफिट्स की बात करें तो एनर्जी लो कार्बन इमिशन होगा, हमारे जो बहुत सारे ग्लोबल टारगेट्स हैं पेरिस क्लाइमेट के, रियो डी जेनेरियो से हमने बहुत कुछ ले रखा है, क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट हमारा कम होगा, और उसके बाद इमिशन लाइक CO2, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब कम होंगे, कॉमन पॉइंट्स है। इसके इंजन्स में कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, ईजिली हो जाएगा, धीरे धीरे कैपेबिलिटी के अनुसार किया जा सकता है, इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। उसके बाद मेजर सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एथेनॉल जो है वो सोर्स क्या है, शुगर कैन है, ये आप अक्सर जाना करते हो। लास्ट ईयर प्रीलिम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन बने थे। बायोमास वेस्ट सेलुलोज बायोमास कैन बी यूज्ड एज अ क्या, अभी पढ़ा आपने क्या एथेनॉल, मतलब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखोगे तो कहाँ गया एथेनॉल डिमांड में, एथेनॉल मेजर सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एथेनॉल, मेजर प्रोड्यूसिंग सोर्स यही हुआ। विलेजेस हैव दिस ओनली थिंग इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस विथ रीजनेबल रेट, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए तो ऑटोमेटिकली रेट कम हो सकता है। अब इमिशंस का तो फ़ायदा है ही है, तो इसको और जितना बढ़ाया जाए उतना हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा, और क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट घटेगा, रेट भी घटेगा, तो हमारी इकोनॉमी को ओवरऑल इनडायरेक्ट रूप से फ़ायदा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।